राहुल चाचा आप? हाँ लाडले, मैं तुझे धमकी वाले खत भेजने वाला और जादुई कालीन से अगवा करने वाला मैं ही तो हूँ। मुझे गायब आपने करवाया? हाँ वो ऐसा है ना कि पर कैसे? अरे वो क्या है कि और क्यों? अरे लाडले तेरे सवाल ना हुए किसी हसीना की उड़ती हुई जुल्फे हो गई, कभी उधर से इधर कभी इधर से उधर। अरे इन्हें मेरे जवाबों की कंघी से संभलने का मौका तो दे। एक बरस पहले बगदाद से मेरा सीधा साधा अलादीन गया था और वापस चालाक और एक होशियार सौदागर अली आया है। ये सब बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी, इसीलिए मैंने बात की तह तक जाने के लिए ये सब किया। लेकिन बुलबुल चाचा, मैं ही आपका लाडला अलादीन। नाम तो सुना होगा, लेकिन फिर भी आपको साबित करने के लिए मैं हर इम्तिहान देने के लिए तैयार हूँ। अरे लाडले, तुझे गले लगा लिया, सब साबित हो गया। पर मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तू अलादीन से अली बना कैसे। बैठिए मैं बताता हूँ। आपसे, अम्मी अब्बू से, अपने मुल्क से मैं जितनी मोहब्बत करता हूँ उसे कई ज्यादा नफरत में खुद से करने लगा था, क्योंकि औरों की तरह मुझे भी लगता था कि मैंने ही बादशाह सलामत का कत्ल किया है। अपनी सबसे अच्छी दोस्त नक्चड़ी के अब्बू का, एक नेक इंसान का, फिर मुझे अंगूठी छाप, वो अंगूठी का जिन वो मिला। वो अंगूठी का जिन, वो कमीना, वो शैतान की औलाद जिसने हम सब पे जुल्म किए थे। हाँ बुलबुल चाचा, और उसे कमीना बनाने वाला वो सफर था, लेकिन अब वो मेरे साथ है और वो बिल्कुल बदल गया है, और उसी ने मुझे जफर की सारी साजिशों के बारे में भी बताया था। उस जफर की वजह से सब मुझसे नफरत करते, मुझे कातिल समझते, मेरी अम्मी को कातिल की अम्मी कहते। मैं सफर से पुतला लूंगा, वो भी चम कर लूंगा। और ये काम मैं अलादीन बनकर नहीं कर सकता। लेकिन लाडले, तेरी इस मुहिम में तेरे साथ और कौन है? और तूने जफर को यकीन कैसे दिला दिया कि तू अलादीन नहीं अली है? मेरे दिमाग पर जमी सुलझनों की धूल पर अपनी सच्चाई की फूंक मार लाडले, फूंक मार। तो सुनिए, नाम में क्या रखा है? दीवार टूट गई, हड्डियां मिल गई, अब उम्मीद है कि आपका शक भी खत्म हो गया होगा। ये ख्वातीन आपकी गुनहगार है, इसलिए इन्हें सजा भी आपकी नजरों के सामने मिलेगी। इन्हें 100 कोड़े लगाए जाएं। बाद में जो कुछ भी हुआ आप उसे भूल जाएं और बस हमें
एक मौका दें आपकी खातिरदारी करने का। और इस तरह मैं अलादीन से अलादीन से अलादीन से अलादीन से अली बन गया। अली बन गया। लाडले, मुझे तो एक भी जिन के होने का यकीन नहीं था और यहां तीन तीन आ गए। खैर, तेरी हिम्मत और काबिलियत के पहाड़ पर मेरी यकीन की बर्फ कभी नहीं पिघल सकती। मुझे पता है तू जो करेगा ठीक करेगा अलादीन, बिल्कुल ठीक करेगा। बुलबुल चाचा, अलादीन नहीं, अली सबसे रईस सौदागर। अली बगदाद के वजीर आला का नया पक्का दोस्त, जो अपने दोस्त को उसके हर गुनाहों की सजा देगा, नए भी और पुराने भी। उस सफर ने मुझसे बहुत कुछ छीना है, अब मैं उससे छीनूंगा। मैं उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। माफ कीजिएगा आका, लगता है हम गलत जगह आ गए। यहाँ धूप की मार, जमीन बेशुमार, गाया बाहर सब है, लेकिन लेकिन सोन मीनार नहीं दिख रही। खास चीजों को देखने के लिए खास नजर होनी बहुत जरूरी होती है। मतलब चिराग के जिन, हम तुम्हें हुक्म देते हैं, सोन मीनार के ताले के लिए एक जादुई चाबी बना दो। जो हुक्म मेरे आका, प्यार जहर है, जिन कहर है। सोन मीनार को देखने की सब में है बेताबी, जिसके बिना वो किसी को ना देखे। बन जाए ऐसी चाबी। ये लीजिए आका। चट्टान टूट सकती है, हौसले टूट सकते हैं, अखरोट टूट सकता है, लेकिन मेरे जादू का तोड़ नहीं। कोई कुछ भी कर ले, लेकिन इस जादुई चाबी के बिना वो सोन मीनार तक नहीं पहुंच सकता। बेहतरीन, शुक्रिया। लेकिन अफसोस, चिराग के जिन इस दुनिया में बुरी नजर वाले बहुत हैं, और हम ये नहीं चाहते कि उन लोगों की बुरी और मनहूस नजर हमारे सोन मीनार तक पहुंचे। बस इसलिए तुम एक और काम करो। क्या? इस सोन मीनार के ताले की चाबी में कुछ ऐसा कर दो कि बस ये हमारे हाथों से खुले और हम उस सोन मीनार तक पहुंच पाए। जो हुक्म मेरे आका, ना आदिल से, ना सुलेमान से, ना हारून से सोन मीनार खुले, सिर्फ आका के खून से। खून से? यानी आका को अपना खून बहाना पड़ेगा?
राग के जिन ये है हमारा सबसे बड़ा ख्वाब। और उसके पूरे होते ही और हम अपने असली मकसद तक पहुंच जाएंगे और हम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो जाएंगे। और फिर ये कायनात और इस कायनात को बनाने वाला हमें झुककर सलाम करेगा। इसकी बदौलत रोज शाही खाने का पका खाना खा खा के मैं पक गया था और घर का खाना खाने के लिए मैं तरस गया था। वैसे एक बात बताइए बुलबुल चाचा, आपको जादुई कालीन के बारे में किसने बताया? उमर ने। उसने ही मुझे बताया था कि तुम्हारी और उमर की जिंदगी की मटकी को जालसाजी के ठोकर से टुकड़े टुकड़े कर देने वाला कोई और नहीं जफर है। जीनू का असली आका तू है, लेकिन जफर ने उसे तुझसे चुराया और खुद आका बन गया। मुझे उमर ने इस जादुई कालीन के बारे में भी बताया था और कहा था कि जफर इस जादुई कालीन को ढूंढते हुए तेरे घर तक पहुंचे, उससे पहले मैं इसे ढूंढ लूं और अपने पास रख लो। और मैंने वही किया इसी उम्मीद के साथ कि एक दिन तुम वापस आओ। लोग कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो तो किस्मत का खेल था। मैं अब्बू से इतनी बार मिला लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो मेरे अब्बू हैं। और जब पता चला तो उन्होंने मुझे बचाने के लिए लाडले तेरे अब्बू जहां भी है तुझे देख रहे हैं और तेरे अब्बू को तुझ पर बहुत नाज है लाडले। सफर ने मुझ पर और मेरे अब्बू पर झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें दुनिया की नजरों में गद्दार बना दिया और मुझे पाशा सलामत का कातिल। उसने मेरी अम्मी की जिंदगी में लिखी खुशियों को मिटा दिया और अब जिनू और नक्चड़ी को अपनी शैतानी खेल का मोहरा बनाकर पूरे पख्तात को बर्बाद करना चाहता है। उस पर मेरे अपनों के लाख आंसू उधार हैं। मैं उसे इन आंसुओं में डुबा दूंगा, उससे उसका सब कुछ छीन लूंगा। तेरे साथ हूं लाडले। इसे बुलबुल चाचा, कालीन के बारे में आपको कैसे पता चला? ये तो मुझे पता चल गया, लेकिन ये कालीन सिर्फ मेरी और जिनू की आवाज सुनती है। तो फिर आपका हुक्म कैसे मान ली? मैं आप क्या बताऊं, ये मेरी आवाज की चाशनी से दूर न रह सका और गुलाब जामुन की तरह इसमें डूब गया। बुलबुल चाचा, लाडले मैंने एक इजाद की है। तो किसी की भी आवाज को सुनकर उसके नमूने को अपने पास रख लेती है और जब उस आवाज की जरूरत पड़ती है वो उसे निकाल सकती है। और लाडले
इसी में तुम्हारी आवाज भी थी। मतलब तुम मेरे पास हो न हो, तुम्हारी आवाज हमेशा मेरे पास रहेगी। क्या? हाँ, उसी की मदद से तो मैं कालीन को हुक्म दे पा रहा हूँ। काफी बड़ी इजाद है, कभी घर आना तो तुम्हें दिखाऊंगा। ठीक है बुलबुल चाचा, दिखा दीजिए, लेकिन फिलहाल मुझे ये बताइए कि वो क्या है। या अल्लाह, बंदे को खबर दे तो साथ में सब्र भी दे, अंगूठी छाप और जीनी मिनी आए तो हम उन्हें ये खबर दें। मेरे पास एक खबर है। मेरे पास एक खबर है। मेरे पास, मेरे पास, मेरे पास खबर। अच्छा अच्छा अच्छा, हम तीनों के पास कुछ खबर है। ये बुजुर्ग है। पहले तुम बोलो। नहीं जुमरू, तुम नौकर हो इसलिए पहले हम ही बोलेंगे। शहजादी यास्मीन ने आका को गायब नहीं किया, बल्कि वो तो आका के गायब हो जाने से आग बबूला हो रही हैं। हमारे 1,500 साल के तजुर्बे के हिसाब से शहजादी यास्मीन का आका को गायब करने में कोई हाथ नहीं है। तुम्हारी जासूसी तो नाकामयाब होगी चचा। लेकिन मैं जानता हूँ कि आका के अगवा होने के पीछे कौन है। पीछे कौन है? जीनू और जफर। जीनू? हाँ, जीनू। तुम दोनों ने जीनू का नाम लिया है, इसका मतलब आका को गायब करने में जरूर वो गोल मटोल तरबूज जीनू का हाथ है। जिन कोई भी काम अपने आका की मर्जी के बिना नहीं करता है। जीनू शामिल है तो मतलब जफर शामिल है, और मैंने उन दोनों को रेगिस्तान में गायब होते हुए देखा है। रेगिस्तान में गायब? जो खुद को गायब कर सकता है उसने जरूर आका को भी गायब किया होगा। समझ चुना, जफर का खेल तेरी सोच से बहुत खतरनाक है लाडले। वहां देखो, देख कुछ दिख रहा है? दिखा, इस पर चढ़ जा, चट्टान पर चढ़ जा। गौर से देख, तेरी नजरों का जाल एक जगह जाके अटक जाएगा। जफर अक्सर अकेला इस जगह रेगिस्तान पे आता है, और अभी जहां पर तू देख रहा है उस जगह के आगे जाते ही वो गायब हो जाता है। पर बुलबुल चाचा, आपको ये सब कैसे पता? लाडले, मैं काफी वक्त से उस पर नजर रख रहा हूं। एक बात और, वो जिस जगह पर जाके गायब हो जाता है वहां कोई और नहीं जा सकता। वो समझ ले कि किसी ने वहां पर एक जादुई दीवार खड़ी कर दी। जादुई दीवार? लेकिन बुलबुल चाचा, उस दीवार के दूसरी तरफ ऐसा क्या है जिसे छुपाने के लिए इतनी मेहनत की जा रही? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना बता सकता हूं कि ये जो भी है तो बगदाद के लिए बहुत बुरी खबर है लाडले। इससे पहले कि हमारे मुल्क की हवा में इस नई मुसीबत का जहर घुले, उसे रोक दे लाडले, रोक दे। रोक तो मैं लूंगा बुलबुल चाचा, लेकिन उससे पहले मैं ये तो पता कर लूं कि उस जादुई दीवार के आगे हमारा दुश्मन कौन है।